धन्यवाद करता हूं। इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता का घोष वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की डिजिटल दुनिया के लिए सबसे अधिक रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल तथा फाइनेंशियल सीमाओं को तोड़कर पार पहुंच चुकी है। आज हम सब एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज का हिस्सा है। हालांकि टेक्नोलॉजी मानव कम्युनिटी और देशों के और करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी है जो नागरिकों और सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपेशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जमीनी स्तर पर उभरती टेक्नोलॉजी को अपनाने में अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और अधिक किफायती बनाना है। इस क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है, जो बहुत बड़ा गर्व का विषय भारत के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250% से ज्यादा वृद्धि हमने दर्ज की है। प्रति जीबी डेटा की लागत में हम 96% कटौती करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमने 5 ही साल में 500 मिलियन नए बैंक अकाउंट खोले हैं और 303 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2022 में भारत 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन 35 ट्रिलियन रुपये पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है। 2017-18 से लेनदेन की मात्रा में आज हमने 50% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। जनधन आधार मोबाइल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 1.38 बिलियन आधार डिजिटल आइडेंटिटी हमने जनरेट कर चुके हैं। 52 मंत्रालय और 300 से अधिक योजनाओं को इसमें कवर कर लिया गया है। 300 मिलियन रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है। डिजी लॉकर में लगभग 6 बिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है। कोविन ऐप के माध्यम से हमने 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन सफलता के साथ पार किया है। भारत नेट के तहत 600,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और ये गति अभी आगे जारी है। उमंग ऐप नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसपे 53 मिलियन रजिस्ट्रेशन है। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव ने
एक दशक में भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ ही साइबर खतरों की संभावना भी बढ़ी है। इंटरपोल की वर्ष 2022 की ग्लोबल ट्रेड समरी रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृत्तियां विश्व भर में गंभीर खतरा पैदा कर चुकी है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। इस कंटेक्स्ट में यह सम्मेलन G20 प्रेसिडेंसी की एक नई और अनूठी पहल है। G20 सम्मेलनों में साइबर सुरक्षा पर अब तक का यह पहला सम्मेलन है। G20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन क्राइम और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को समझना और उसका समाधान निकलना बेहद आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है NFT, AI, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव तरीके से नए उभरते हुए खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमने क्राइम वर्ल्ड से आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। G20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी पर अधिक ध्यान दिए जाने से अहम इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान हमें प्राप्त हो सकता है। G20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ओनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, AI का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। टेररिस्ट हिंसा को अंजाम देने के लिए, युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए तथा वित्त संसाधन जुटाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। वर्चुअल एसेट्स के रूप में नई तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा रहा है। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का भी उपयोग कर रहे हैं। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। वर्चुअल एसेट माध्यमों के उपयोग पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हमें एक साथ आकर सोचना होगा। मेटावर्स जो कभी साइंस फिक्शन था, अब वास्तविक दुनिया में कदम रख चुका है। मेटावर्स से आतंकवादी संगठनों के लिए मुख्य रूप से प्रचार, भर्ती, प्रशिक्षण,
इसके नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमजोर मानसिकता वाले लोगों का चयन करना और उन्हें लक्ष्य बनाना और उनकी कमजोरियों के अनुरूप मटेरियल तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। मेटावर्स यूजर की पहचान की सच्ची नकल करने के लिए अवसर भी पैदा करते हैं, जिसे डीप फेक कहते हैं। व्यक्तियों के बारे में बेहतर बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके अपराधी यूजर का रूप धरने और उनकी पहचान चुराने में सक्षम हो जाएंगे। साइबर अपराधों द्वारा रैंसमवेयर हमलों और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फर्जी समाचार और टूल किट के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी गतिविधियों का सीधा प्रभाव सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे अपराधों को और अपराधियों को, दोनों को हमें रोकना है। अगर रोकना है तो कन्वेंशनल जियोग्राफिक बॉर्डर से ऊपर उठकर सोचना होगा और हमें इस दिशा में बहुत काम भी करने की जरूरत है। डिजिटल युग में टारगेट हमारे भौतिक संसाधन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी ऑनलाइन काम करने की क्षमता को टारगेट किया जाता है। कुछ मिनट को लिए भी ऑनलाइन नेटवर्क में व्यवधान बहुत घातक हो सकता है। आज दुनिया की सभी सरकारें गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर में डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन दे रही है। इस दिशा में आवश्यक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों का विश्वास बना रहे। डिजिटल स्पेस में असुरक्षितता नेशनल स्टेट की लेजिमिटेसी को और संप्रभुता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमारा इंटरनेट विजन न तो राष्ट्र को अस्तित्व के संकट में डालने वाला अत्यधिक फ्रीडम वाला होना चाहिए और न ही डिजिटल फायरवॉल जैसे आइसोलेट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ होना चाहिए। भारत ने कुछ ऐसे ओपन एक्सेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल खड़े किए हैं, जो कि समग्र विश्व में मिसाल बने हुए हैं। हमारा डिजिटल आइडेंटिटी का आधार मॉडल, रियल टाइम फास्ट पेमेंट का UPI मॉडल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, हेल्थ के क्षेत्र में ओपन हेल्थ सर्विस नेटवर्क जैसे और भी है। आज दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई व्यवस्था की जरूरत है, जो इंफॉर्मेशन और फाइनेंस के प्रवाह में मध्यस्थता करे। इससे दुनिया के देशों को अपने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में सुविधा होगी। मित्रों, मैं कुछ सुरक्षा उपायों के लिए भी बात करना जरूर चाहूंगा। दुनिया के कई देश साइबर अटैक के शिकार हुए हैं और यह खतरा दुनिया भर की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंडरा रहा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 19 से 23 के दौरान साइबर हमलों से दुनिया को लगभग $5.2 trillion का नुकसान हो सकता था। मेलिशियस थ्रेट एक्टर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इसकी पहचान और रोकथाम को और जटिल बना देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक समान साइबर कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करने, साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एनालिटिकल टूल्स डिजाइन करने के लिए, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए, साइबर हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए और हर नागरिक तक साइबर जागरूकता के प्रसार करने जैसे क्षेत्रों में बहुत काम किया है। अब भारत के सभी पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS को क्रियान्वित कर दिया गया है। साइबर अपराध के विरुद्ध व्यापक जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की है। भारत सरकार ने साइट्रेन पोर्टल नामक एक विशाल ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को भी निर्माण किया है। शायद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आगे के लिए सोचने के लिए हमारी ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस जब
आप सभी लोग विचार मंथन करेंगे। एक सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस सुनिश्चित करने हेतु मैं कुछ बिंदुओं पर इस सभा का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा आग्रह होगा कि सम्मेलन में आप इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें। डिजिटल अपराधों को काउंटर करने के लिए बने सभी देशों के कानून में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। एक रूपता लाने के साथ साथ सभी देश के कानूनों में एक दूसरे के देश में हुए साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था की भी स्पेस रखनी पड़ेगी। साइबर अपराधों के बॉर्डरलेस नेचर को ध्यान में रखते हुए देशों के भिन्न भिन्न कानूनों के तहत कॉमन रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्था हमें खड़ी करनी होगी। इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन से साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन में तालमेल बनाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हमने सोचना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में यह सम्मेलन एक ठोस एक्शन प्लान बनाकर विश्व के सामने रखेगा। साइबर सिक्योरिटी नीतियों में इंटीग्रेटेड और स्टेबल अप्रोच से इंटर ऑपरेटिबिलिटी में आसानी होगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ट्रस्ट बढ़ेगा और एजेंसियों के प्रोटोकॉल और रिस्पॉन्स गैप में कमी आएगी। राष्ट्र के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच उद्योग और शिक्षा जगत के सक्रिय समर्थन से रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को साझा करना इस समय की मांग है। साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और उन पर कार्यवाही में सभी देशों की साइबर एजेंसियों में अधिक तालमेल करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना भी समय की मांग है। शांतिपूर्ण, सुरक्षित, प्रतिरोधी और ओपन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वातावरण के निर्माण के लिए संयुक्त प्रयासों से सीमा पार साइबर अपराधों की जांच में सहयोग आज की मांग है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आपराधिक प्रयोग पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुरूप तेजी से साक्ष्यों का संरक्षण, जांच और सहयोग हमने बढ़ाना होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कारण उभरते खतरों से निपटने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को सुदृढ़ बनाना होगा। प्रभावी प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड रिकवरी एक्शन हेतु 24/7 साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बीच में भी हमने सहयोग और कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। साइबर थ्रेट लैंडस्केप का स्वरूप राष्ट्रीय सीमाओं के पार तक फैल गया है, जिसके कारण साइबर क्राइम से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए राष्ट्रों, संगठनों और स्टेक होल्डरों द्वारा कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान का भी प्लेटफॉर्म बनाना समय की मांग है। रिस्पॉन्सिबल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करने का समय आ गया है। डिजिटल तो डिजिटल क्षेत्र में भारत के नाम का डंका, गृह मंत्री अमित शाह को ये कहते आप सुन रहे थे। संबोधन के दौरान सुरक्षा पर भी अमित शाह ने जोर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे दे, गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही। दरअसल अमित शाह एक प्रदर्शनी का निरीक्षण करने पहुंचे थे गुरुग्राम। G20 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही। डिजिटल क्षेत्र में भारत के नाम का डंका बज रहा है। देखिए, डिजिटल क्षेत्र में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है लगातार, उसका जिक्र अमित शाह ने किया। अमित शाह ने एक प्रदर्शनी का भी इस दौरान निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम G20 के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये तमाम बातें कही। संबोधन के दौरान सुरक्षा पर भी अपनी बात रखते अमित शाह नजर आए। डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आइए हम सहयोग करने, विचार साझा करने और अंतरराष्ट्रीय साझी बनाने के लिए इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का उपयोग करें। अंत में इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम। देखिए, कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने डिजिटल इंडिया के साथ ही सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज डिजिटल के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है, भारत के नाम का डंका बजता है डिजिटल के क्षेत्र में। सुरक्षा पर भी अपनी बात रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में G20 सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, जिनमें से एक मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी था। G20 का उद्घाटन समारोह, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृहमंत्री ने ये तमाम बातें कही। इसके अलावा क्या कुछ और कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, गुरुग्राम में G20 का उद्घाटन सत्र आज आयोजित किया गया है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे और केंद्रीय गृहमंत्री ने इस दौरान ये तमाम बातें कही। अमित शाह इस दौरान एक प्रदर्शनी का निरीक्षण करते भी नजर आए, एक प्रदर्शनी का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अपने संबोधन में उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के नाम का डंका बज रहा है आज डिजिटल के एक क्षेत्र में।